दीपावली की पूर्व संध्या पर आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित आरा रोटी बैंक पाठशाला में बच्चों सहित जरूरतमंद समुदाय के लोगों के बीच खुशियों का वितरण किया गया, जिसमें दीपावली से संबंधित सामग्री मुड़ी, हाथी घोड़ा की मिठाई, मोमबत्ती, दिया, लड्डू एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस विशेष मुहिम में सहयोगी के रूप में वीरांगना अमृता जी, सुमन देवी, मीना सिंह, गीता देवी, निर्मा देवी के साथ साथ आरा रोटी बैंक संस्था के अध्यक्ष कुमार रोहित, आशुतोष सिंह, कोषाध्यक्ष सतीश सिंह, राजेश कुमार, रवि सहाय, कुमार मोहित, कृष्णा, सरोज जी, सुनील केसरी एवं मीडियाकर्मी मौजूद रहे। बता दें कि आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट दो पाठशालाएं संचालित करती हैं, जिसमें सामाजिक समानता से वंचित बच्चों को दैनिक शिक्षा सब भोजन प्रदान किया जाता है। दीपावली पर बच्चे इस प्रकार से सामग्री पाकर काफी खुश नजर आए। इसके साथ ही सुबह में आरा रोटी बैंक पाठशाला 2 में बच्चों के बीच दीपावली की खुशियों का वितरण किया जाएगा। बच्चों के बीच इस दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान सामग्री का वितरण किया गया, जिसको देखकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। बता दें कि आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और पिछले कई वर्षों से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ ही उन्हें भोजन मुहैया कराती है। आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट में काफी सदस्य हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह के सामाजिक कार्यों में उनकी लगातार सहभागिता रहती है। कुछ सदस्य श्रमदान करते हैं तो कुछ आर्थिक दान करते हैं, जिससे आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित होती है और वो लगातार समाज हित जनहित में कार्य करती है। त्योहार बच्चों के साथ मनाते आया है, समाज के जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाता है, जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाता है। हर साल ये हमारा दिवाली मुहिम होता है, होली मुहिम होता है, तो आज दिवाली के उपलक्ष्य में इन बच्चों के बीच लावा मुड़ी, दिवाली की सब तमाम सामग्रियाँ हम लोग वितरण कर रहे हैं, जिसमें लावा मुड़ी, लड्डू, मिठाई, छुड़छुड़ी, पड़ाके सारे चीज़ हैं। कितने बच्चे यहाँ पर हैं और क्योंकि आज कुछ ज़्यादा बच्चे इस इलाके के भी होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पाठशाला में कंटिन्यू 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, बट आज मुझे लग रहा है ये लोग 90 के पार हैं। इतने सारे बच्चों क्या क्या वितरण में सामग्री आप लोग दे रहे हैं? जैसे हमारे पास दिवाली से रिलेटेड लावा मुढ़ी, चिनिया मिठाई, लड्डू, बुनिया, पड़ाके, छुड़छुड़ी, दिया, बाती, मोमबत्ती, सलाई, सारे चीजें हैं। ये लगातार मुहिम जारी है और आप भी इस मुहिम से मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? आज देखिए दीपावली के शुभ अवसर पर आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ आरा रोटी बैंक पाठशाला के समस्त बच्चे एवं उनके परिवार के लिए दीपावली मनाने के लिए विभिन्न तरह की सामग्रियों का लाया गया है और हम जो है आरा रोटी बैंक के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो है ये मुहिम लाकर और अपने परिवार के अलावा इनको जो है परिवार समझते हुए, यहाँ के बच्चे को परिवार समझते हुए ये व्यवस्था किए हैं, उसके लिए जो है हम दिल से सभी को जो है धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ये समाज के पिछड़े वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं और रोटी बैंक का ये पहल जिस तरीके से एक जन जागरूक तौर पर कहा जा सकता है, आप लोग भी लगातार जुड़ते हैं और लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए हम लोग 5 सालों से आरा रोटी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और हम यही कहेंगे कि आरावासी जो है ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये बच्चों को दीपावली मनाने या विभिन्न तरह के जो मुहिम चलता है, तो उसके लिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि सभी लोग जो है आकर यहाँ पर जुड़े, इस रोटी बैंक से जुड़े, जितना हो सकता है वो कंट्रीब्यूशन करें ताकि जो है समाज से जो वंचित लोग हैं उनको जो है इस तरह की सुविधाएं मिले। सभी तो दिवाली के शुभ अवसर पर अपने घर में तो मनाते ही, लेकिन रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि इन बच्चों के लिए कार्यरत है। हर एक फेस्टिवल में जो है ये लोग अपने तरीके से सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है और इन लोगों को जो है दिल से जो है शुक्रिया अदा करना कहेंगे। आरा रोटी बैंक की लगातार मुहिम, ये आरा रोटी बैंक की लगातार जो मुहिम है विगत 6 वर्षों से ही जारी है। ये पाठशाला का की स्थापना से 3 वर्ष पूर्व हुई थी, लगभग 2022 में। ये तीसरा बार है कि हम लोग बच्चों के बीच आकर दिवाली का जो चीज होता है, पटाखा, लावा मुढ़ी, लड्डू, बुनिया, कैंडल्स वगैरह,
जो समाज के जो आर्थिक और सामाजिक तबके से जो वंचित वर्ग के लड़के हैं उनके लिए मुहिम हम लोग विशेष तौर पर चलाते हैं। देखिए ये तो कार्यक्रम जो है हम लोग का रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत दिन से हम लोग करते आ रहे हैं और जिस दिन से लगे हुए हैं उस दिन से काफी सुखमय ही व्यतीत हो रहा है और बहुत अंदर से लगन आती है कि भाई इस टाइप का कार्यक्रम हम लोग करते रहे और लोगों तक क्या संदेश पहुंचाने का काम कीजिएगा। समाज के सभी बड़े लोगों से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि जरूरतमंद लोगों को जरूरतमंद लोगों का जरूर सेवा करें और जब कभी टाइम मिले तो हमारे पाठशाला की तरफ मूव करें। क्या क्या इसमें वितरण कर रहे हैं आज? आज दीपावली के अवसर पे हम लोग लावा, मूढ़ी, मिठाई, लड्डू, पटाखा ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं बच्चों को और अभी सब लोग को बांट रहे हैं।